लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीज़ों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। इंसान दो तरीक़ों से बदलता है, या तो वो खुद बदल जाए और या वक्त उसे बदल दे। खुद ही अपने आप को बदल लो, वरना वक्त ने अगर बदला लिया तो बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है और उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। हमेशा याद रखना कि आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे जब तक सूरज आपको जगाता रहेगा। अगर कामयाब होने चाहते हो तो सूरज को जगाना शुरू कर दो। ज़िंदगी की जंग अगर जीतनी है तो पहले सूरज को हराना होगा। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल हमेशा अपने ही हाथ में रखना, क्योंकि तुम अपनी गाड़ी को कैसे चलाओगे और कोई दूसरा कैसे चलाएगा, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। नाज़रीन, इसलिए अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को कभी भी गलत हाथों में ना देना। ज़िंदगी में अगर आप मुड़ मुड़ कर पीछे देखते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको आगे देखना होगा, क्योंकि आपकी मंजिल आपके सामने है, आपके पीछे नहीं। अगर कोई शख्स जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हों वो आपको धोखा दे दे या ज़रूरत के वक्त पलट जाए, तो ये मत सोचिएगा कि वो इंसान बदल गया। हकीकत तो ये है कि इसका नकाब उतर गया। दोस्तों, जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे लोगों के नकाब उतरते हैं, तो ये बुरा वक्त नहीं है, क्योंकि इसने आपको अच्छे बुरे की पहचान करा दी। इसने आपको बता दिया कि आप गलत शख्स पर भरोसा करके बैठे हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में धोखे होते रहते हैं। हम फ़कीरों की सूरत पर ना जाना, हम कई रूप धार लेते हैं। ज़िंदगी के उदास लम्हों को मुस्कुरा कर गुजार लेते हैं। हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी आपको कुछ देती नहीं है, यह बस आपको वो लौटाती है जो आपने इसे दिया होता है। इसलिए ज़िंदगी से कभी कुछ मत मांगो, बस जो आप चाहते हो वो उसे देना शुरू कर दो। अगर प्यार चाहिए तो लोगों में प्यार बांटना शुरू कर दो। नफ़रतें बांटोगे तो नफ़रतें ही मिलेगी। जिन लोगों को अपनी ताकत का एहसास लोगों को तकलीफ़ पहुंचा कर होता है, लोगों को तकलीफ़ देकर वो अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं, वो लोग अंदर से इंतहाई कमज़ोर होते हैं। अगर किसी शख्स की बहादुरी का अंदाज़ा लगाना हो तो इस बात से लगाओ कि वो माफ़ करने में कितनी जल्दी करता है। बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोग तलाश करने से कहीं बेहतर है कि हम लोगों की बुरी बातें भूल जाएं और इनकी बातों को याद रखें, क्योंकि जब नाखून बढ़ जाएं तो नाखून ही काटते हैं, उंगलियां नहीं। जब किसी रिश्ते में गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं तो गलत फहमियाँ ख़त्म की जाती हैं, रिश्ते नहीं।